आदरणीय महाराज जी से आए और हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय महाराज जी भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आजमगढ़ उपचुनाव में आज की सभा के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, श्री संजय निषाद जी, श्री अरविंद कुमार शर्मा जी, श्री आशीष पटेल जी, गिरीश यादव जी, श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, श्री दानिश आजाद जी, लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, रविंद्र कुशवाहा जी, सकलदीप राजभर जी, कमलेश पासवान जी, पूर्व विधायक श्रीमती वंदना सिंह जी, श्री सत्येंद्र राय जी, जयनाथ सिंह जी, प्रेम प्रकाश राय जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और लोकप्रिय प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के इस उपचुनाव में लोकप्रिय प्रत्याशी श्री दिनेश लाल यादव उर्फ निरोवा जी और उपस्थित सभी मेरे भाइयों बहनों, पांच वर्ष के लिए आपने अपना सांसद चुना था, लेकिन भाइयों बहनों, पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के पहले ही मात्र तीन वर्ष में ही वे धोखा देकर के आजमगढ़ वासियों को चले गए और आज आजमगढ़ में फिर से उपचुनाव हो रहे हैं। मित्रों, आजमगढ़ की अपनी एक पहचान थी। आजमगढ़ महान क्रांतिकारियों की, ऋषि मुनियों की, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की और महान साहित्यकारों की भूमि है और इस आजमगढ़ धरती से जो संदेश जाता है बहुत दूर तक जाता है और उस संदेश को लेकर के ही आज मैं फिर आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, आजमगढ़ ने दो दो बार प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सांसद के रूप में यहां से चुन करके भेजा, लेकिन आजमगढ़ का विकास नहीं हो पाया। आजमगढ़ विकास से आज भी कोसों दूर है। आजमगढ़ के विकास के लिए उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कुछ भी नया नहीं किया। वो अलग विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के विकास के कार्यों को समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी भले ही बनाने का प्रयास कर रही हो, लेकिन उन्होंने अपने समय में विकास का कोई भी बड़ा कार्य आजमगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए नहीं किया और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। उपचुनाव के पहले हमें विश्वास था कि आजमगढ़ में विकास के इन कार्यक्रमों के माध्यम से विकास के सभी कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे
और यहाँ के विकास में रुचि लेगी, यहाँ की यहाँ के जनप्रतिनिधि रुचि लेंगे। लेकिन भाइयों बहनों, ये तो अच्छी बात है, बारिश हो गई भाई, ये तो अच्छी है, भागने की आवश्यकता क्या है इसमें? इतनी भीषण गर्मी से राहत देने के लिए देखे इंद्र भगवान भी आप पे खुश हो गए हैं। यानी अभी कुछ देर पहले तक भीषण शीत, भीषण गर्मी चल रही थी, लू चल रही थी, और अब जैसे ही यहां पर हम लोग आए हैं वैसे ही बरसात भी अब शुरू हो रही है। इसका मतलब कि इस बार वोटों की बरसात भारतीय जनता पार्टी और निरहुआ के पक्ष में आजमगढ़ की जनता जरूर करने जा रही है। भाइयों बहनों, दो दो बार आपने समाजवादी पार्टी को यहां से संसद में चुनाव जिता करके एक खानदान को अवसर दिया, लेकिन प्रदेश में सरकार के दौरान चाहे वह सपा की सरकार रही हो या बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार, इन दोनों सरकारों ने आजमगढ़ के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, विकास से कोसों दूर रखा। आजमगढ़ का नौजवान देश के अंदर कहीं जाता था, होटल में कमरा नहीं मिलता था, धर्मशाला में रहने का ठिकाना नहीं मिलता था, कोई व्यक्ति अपने घर में किराए में रहने के लिए तैयार नहीं था। आज आजमगढ़ को इन सभी पहचान के संकट से मुक्त करने का कार्य अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। आज आजमगढ़ विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से चले हैं आप में? आप में से कितने लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से चले हैं? भाइयों बहनों, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आजमगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की रीढ़ बनने वाली है। ये केवल आवागमन का माध्यम नहीं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, भाइयों बहनों, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यहां के विकास की धुरी बनने वाली है। हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जो लखनऊ को गाजीपुर तक जोड़ता है, भाइयों बहनों, इसमें औद्योगिक क्लस्टर का विकास करने जा रहे हैं। उद्योग लगेंगे, नौजवानों को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, और यहीं पर ढेर सारे रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। और आजमगढ़ विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके यहां के नौजवानों को प्लान नहीं करना पड़ेगा। आज उस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हम कर रहे हैं। आजमगढ़ से ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के गोरखपुर लिंक वे के निर्माण के कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ा दिया गया है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, आजमगढ़ के माध्यम से ही अभी हम आजमगढ़ और मऊ के बीच से बलिया को जोड़ने के लिए भी कार्य कर रहे हैं। आप घबराइए मत, इस बारिश से घबराने की आवश्यकता नहीं, ये तो अन्नदाता किसानों के लिए उपहार है इंद्र भगवान का, और गर्मी से राहत देने का भी देखे ईश्वर कैसे कृपा करता है। आप महीनों से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि बारिश हो जाती, लेकिन जैसे आज हम लोग यहां पर आए हैं और तो यहां पर आज ये शानदार बारिश का उपहार भी आपके लोग लेकर के आए हैं। यानी ये बारिश का उपहार का मतलब विकास की बारिश भी अब आजमगढ़ के साथ जुड़ने जा रही है। आपने उधर वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन कितने लोगों ने किया है? पहले की तुलना में बहुत अच्छा बन गया है ना? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण को जिस
पवित्र आस्था को ध्यान में रख करके बनाया है वो आप सबके सामने है। और इधर आप गोरखपुर में जाएंगे, गोरखपुर के विकास को 5 साल पहले जिसने देखा होगा आज जाएगा गोरखपुर को पहचान ही नहीं पाएगा कि क्या हम गोरखपुर में ही हैं क्या। कैंडिडेट देने की बात जब आई थी हम सोचते थे कि समाजवादी पार्टी किसी आजमगढ़ के ही नौजवान को टिकट देगी। बीच में उन्होंने एक दलित नौजवान को टिकट दिया भी, लेकिन फिर घूम फिर करके फिर अपने सिफई खानदान में वापस चले गए। समाजवादी पार्टी सिफई खानदान से बाहर निकल ही नहीं सकती है। और भाइयों बहनों, उन्होंने उस नौजवान का टिकट काट दिया। और क्या सपा क्या बसपा, जो समाजवादी पार्टी ने किया बहुजन समाजवादी पार्टी भी उससे दूर नहीं है। बहन जी को जिन्होंने धोखा दिया, बहन जी ने उन्हीं को फिर से हाथी में बिठाने का प्रयास भी कर रही है। लेकिन भाइयों बहनों, आप लोग विधानसभा चुनाव में सपा बसपा को खारिज कर चुके हैं।